So binary file stores data in the sequence of bytes. It is the compiled version of text file. मतलब ये binary file data को उसी form में store करता है जिस form में actually computer में data store होता है. We all know that in computer system data is stored in the form of bits, bytes, kilobytes, megabyte, gigabyte, etc. etc. So in binary file data is stored in a sequence of bytes such as in a sequence of 8 bits or sequence of 32 bits. इस तरह के सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है बाइनरी फाइल. दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि बाइनरी फाइल के अंदर हम लोग मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं. बाइनरी फाइल के अंदर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वी कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन इट. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टोर द इमेजेस, ऑडियो और एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, ऑडियो और टेक्स्ट एक्सेट्रा. इन सारी इंफॉर्मेशन को एक सेम नेम के अंडर में हम बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो ये है बाइनरी फाइल. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बाइनरी फाइल ही है. क्यों? क्योंकि बाइनरी फाइल स्टोर्स द डेटा इन द फॉर्म इन विच द डेटा इज हेल्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम. डेटा जिस फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में, जिस फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर रहता है उसी फॉर्म में बाइनरी फाइल के अंदर भी डेटा स्टोर होता है. तो ये था बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल का क्लासिफिकेशन. नाउ फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन विच आर परफॉर्म्ड ऑन एनी एसोसिएटेड फाइल स्ट्रीम वी हैव टू ओपन दैट स्पेसिफिक फाइल फर्स्ट. कोई भी ऑपरेशन हमें अगर फाइल के ऊपर परफॉर्म करना है, चाहे वो राइट ऑपरेशन हो या फिर वो रीड ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन अगर हमें फाइल पे परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा. ओपन करने के लिए या फाइल से रिलेटेड दो फैक्ट्स और समझ लीजिए कि पहला तो ये है कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं फाइल हैंडल या फिर इसी को हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट या फिर इसी को हम लोग फाइल पॉइंटर बोलते हैं. सबसे पहले हमको कोई ना कोई फाइल हैंडल या फिर उसी को अदर लैंग्वेज में कहें तो फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो ये है क्या? It is a null terminated character string which is need to perform any procedure on any associated file. मतलब किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें एक फाइल पॉइंटर या फिर फाइल हैंडल या फिर फाइल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. और ये क्या है? ये एक नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है.
कहने का मतलब नल टर्मिनेटेड जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं सब नल टर्मिनेटेड ही होते हैं, और इसी तरीके से ये भी एक तरह का एक स्ट्रिंग होता है, एंड इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, कि किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होगा, और फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग एक ओपन मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि एक बिल्ट इन मेंबर फंक्शन है. बिल्ट इन मेंबर फंक्शन है. मेंबर का मतलब, मेंबर फंक्शन का मतलब उस लाइब्रेरी का मेंबर है जो फाइल के लिए, जो एसोसिएटेड लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का मेंबर फंक्शन है. बिल्ट इन मेंबर फंक्शन ओपन मेंबर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ एक फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हैं. तो उसकी सिंटेक्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि टू ओपन अ फाइल, तो इसके लिए फिर इसकी सिंटेक्स होती है फाइल को ओपन करने के लिए कि फाइल पॉइंटर या फिर फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा अ फाइल नेम. अगेन फाइल नेम शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर एंड इट इज़ ऑल्सो अ नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर स्ट्रिंग. फाइल नेम भी जो होता है वो एक नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर स्ट्रिंग है विच रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द फाइल. एंड अगेन ओपनिंग मोड, ये इसकी सिंटैक्स है कि कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल पॉइंटर, और फिर इज इक्वल टू ओपन एंड इन ब्रैकेट ओपन मेंबर फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर उसके आर्गुमेंट के अंदर हम लोग फाइल नेम, जिसको कि हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट से इनक्लोज कर सकते हैं, कॉमा, फिर ओपनिंग मोड, इसको भी हम सिंगल या फिर डबल कोट में इंक्लूड कर सकते हैं. अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एग्जांपल, अब हमने लिखा यहाँ पे कि अब फाइल पॉइंटर मान लीजिए मैंने मान लिया कि माय फाइल है, तो ये माय फाइल इस नाम से हमने बना दिया. माय फाइल इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में मान लीजिए फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट, तो example dot text एक टेक्स्ट फाइल है, और ओपनिंग मोड है मान लीजिए w, मतलब एक फाइल है जिसका नाम है example dot text और इसको हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, मतलब इसको हम इसके अंदर इसको ओपन करने के बाद में इसमें कुछ कंटेंट्स हम राइट करेंगे, तो इस तरह से ओपनिंग मोड. अभी ओपनिंग मोड के बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में.